नमस्ते, आपका पुनः स्वागत है गणित सत्र में। और आज हम बात करेंगे क्रम परिवर्तन और संयोजन पर। क्रम परिवर्तन और संयोजन ऐसे विषय हैं जो एक सेट में चयन करके और उपसमुच्चय बनकर वस्तुओं के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रम परिवर्तन और संयोजन विभिन्न तरीकों से होते हैं जिनसे किसी सेट से वस्तुओं का चयन किया जाता है। आमतौर पर उपसमुच्चय बनाने के लिए प्रतिस्थापन के बिना उपसमुच्चय के इस चयन को क्रम परिवर्तन कहा जाता है। जब चयन का क्रम कारक होता है, एक संयोजन होता है। जब क्रम कोई कारक नहीं होता, संयोजन एक गणितीय तकनीक है जो वस्तुओं के संग्रह में संभावित व्यवस्थाओं की संख्या निर्धारित करती है जब चयन का क्रम मायने नहीं रखता। एक संयोजन में आप किसी भी क्रम में आइटम का चयन कर सकते हैं। संयोजन आसान होते हैं, क्रम कोई मायने नहीं रखता। आप इसे मिला सकते हैं और ये वैसा ही दिखाई देगा। क्रम परिवर्तन दोहराव के बिना विषयों की एक व्यवस्था है और क्रम महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्रम परिवर्तन कई तरीकों से होता है जिससे आप वस्तुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। दोनों के बीच मुख्य अंतर ये है कि क्रम परिवर्तन वे समूह है जहां क्रम मायने रखता है, जबकि संयोजन वो है जहां क्रम मायने नहीं रखता। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर विज्ञान में। इनका प्रयोग कणों की स्थिति का वर्णन करने के लिए क्वांटम भौतिक में सॉर्टिंग एल्गोरिदम का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, और जीव विज्ञान में आरएनए अनुक्रमण का वर्णन करने और अपना पासवर्ड बनाने में आदि के लिए। जागरूकता को दर्शाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है? क्रम परिवर्तन और संयोजन संख्याएं हैं और विभिन्न तरीकों की बात करते हैं। परिशुद्धता कैसे प्राप्त की जाती है? एक बार जब ये आ जाता है तो ये स्थिर हो जाता है और क्रम या प्राथमिकता में कोई बदलाव नहीं होता। ये अवधारणा ये समझाने का एक और तरीका है कि कुछ भी अच्छा करने के लिए कई तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे करने का केवल एक ही तरीका है। मान लीजिए आप अपने किसी अन्य मित्र की मदद करना चाहते हैं जो किसी से भी मदद लेना पसंद नहीं करता। ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनसे आप अपने मित्र की सहायता कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप विभिन्न क्रम परिवर्तन और संयोजन का पता लगा सकते हैं। ये जागरूकता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये गणितीय अवधारणा हमें बताती है कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। ये एक जागरूकता भी है कि हम अपने व्यवहार को व्यवस्थित कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, एक से अधिक तरीकों से अपने अवसाद से बाहर आ सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं। केवल तभी जब हम सही विकल्पों का पता लगाने और खोजने के लिए तैयार हों। इसलिए आप ये संदेश घर ले जाएंगे कि यदि आप विकल्पों के लिए खुले हैं तो आप व्यक्तिगत स्वयं कुछ भी और सब कुछ संभाल सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी।